आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे लॉक कर सकते हैं किसी भी ऐप को अपने आईफोन पे एक पासकोड के साथ, और इसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं शॉर्टकट्स ऐप। तो यार क्या हाल है, वेलकम बैक टू अनदर यूजफुल एंड हेल्पफुल वीडियो। मैं हूं डीडी आपका यार। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सारे स्टेप्स को नोट डाउन करके रख लेना, और अगर इसको लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। स्वागत है आप सबका आई एम डीवाई प्रो यूट्यूब चैनल पे। तो इस डेमो के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं YouTube ऐप। आप किसी और ऐप को भी चूज कर सकते हैं और उस पर लगा सकते हैं एक पासकोड और उस ऐप को लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है कि जिस ऐप को आपको लॉक करना है उसको आपको निकाल देना है होम स्क्रीन से। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं यूट्यूब का ऐप, तो इस पर करेंगे लॉन्ग प्रेस, और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है रिमूव ऐप का, इस पर करेंगे प्रेस, और यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे ऑप्शन रिमूव फ्रॉम होम स्क्रीन का। तो यहाँ पे आपको नोट करना है कि आप इस ऐप को डिलीट नहीं कर रहे हैं अपने आईफोन से, आप सिर्फ इसको निकाल रहे हैं अपने होम स्क्रीन से। इसके बाद ओपन करना है शॉर्टकट्स ऐप को, और उसके बाद जाना है माय शॉर्टकट्स वाले सेक्शन पे। यहाँ पे प्रेस करना है प्लस का बटन। हमें देना है इस शॉर्टकट को एक नाम, क्योंकि हम लोग क्रिएट कर रहे हैं एक पासकोड यूट्यूब ऐप के लिए, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे शॉर्टकट नेम में यूट्यूब। इसके बाद प्रेस करेंगे ऐड एक्शन पे, और यहाँ सर्च में हम टाइप करेंगे आस्क फॉर इनपुट। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ गया है, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है आस्क फॉर टेक्स्ट, इस टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम चेंज करेंगे इसको नंबर पे। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है विथ प्रॉम्प्ट का, तो यहाँ पे हमें एक प्रॉम्प्ट लिखना है, तो इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंटर पासकोड। इसके बाद प्रेस करेंगे डन पे, और उसके बाद प्रेस करेंगे इस राइट वाले एरो पे। यहाँ पे दो ऑप्शंस हमारे पास हैं, जो है डेसिमल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, इसको हम लोग डिसेबल कर देंगे। इसके बाद प्रेस करेंगे इस इफ वाले बटन पे, और ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया है हमारे प्रीवियस कमांड के साथ। तो यहाँ पे लिखा गया है इफ प्रोवाइडेड इनपुट, और उसके बाद कंडीशन हमें देना है। हम प्रेस करेंगे कंडीशन पे, और यहाँ पे चूज करेंगे इज, और यहाँ पे हमें देना है एक नंबर यानी कि हमारा पासकोड। तो फिलहाल मैं लिख रहा हूँ 1234। इसके बाद प्रेस करेंगे डन। इसके बाद हमें आना है नीचे यहाँ पे सर्च बार पे, और यहाँ पे लिखना है ओपन ऐप। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ गया है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे ऐप पे क्लिक करके हम सर्च करेंगे यूट्यूब, और इसको हम ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे और प्लेस कर देंगे यहाँ पे। तो टेस्टिंग के लिए एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एंटर पासकोड वाला प्रॉम्प्ट आ गया है, हम पासकोड लिख देते हैं, इसके बाद प्रेस करेंगे डन पे, और आप देख सकते हैं कि YouTube ऐप ओपन हो गया है। अब हमें इस शॉर्टकट को सेव करना है, प्रेस करेंगे इस ब्लू बटन पे, और इसके बाद प्रेस करेंगे ऐड टू होम स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शॉर्टकट आ गया है, लेकिन ये आइकन YouTube का नहीं है, इसको हमें रिप्लेस करना है। इसके लिए आपको जाना है गूगल पे, और टाइप करना है सर्च में यूट्यूब ऐप आइकन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्यूब का ऐप आइकन आ गया है, इसे करना है लॉन्ग प्रेस, और इसको सेव कर देना है अपने फोटोज के ऐप में। अब हमें चेंज करना है इस ऐप के आइकन को, प्रेस करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है चूज फोटो का, इस पे क्लिक करेंगे, और अपने फोटोज के ऐप से इस आइकन को हम चूज कर लेंगे। इसके बाद प्रेस करेंगे ऐड पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शॉर्टकट हमने क्रिएट किया था वो आ गया है होम स्क्रीन पे, और यहाँ पे यूट्यूब का आइकन भी अवेलेबल है। अब इसको टेस्ट करेंगे, प्रेस करेंगे इस यूट्यूब ऐप पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पासकोड पूछ रहा है, हम पासकोड एंटर करेंगे, और उसके बाद प्रेस करेंगे डन पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूट्यूब ऐप ओपन हो गया है। मैं एक बार आपको गलत पासवर्ड भी डाल के दिखा देता हूँ, प्रेस करेंगे इस पे, और यहाँ पे फिलहाल मैं गलत पासवर्ड डाल रहा हूँ, इसके बाद प्रेस करेंगे डन पे, तो आप देख सकते हैं कि ऐप ओपन नहीं हुआ है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं इस शॉर्टकट को अपने होम स्क्रीन से, तो इस पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है, और उसके बाद सेलेक्ट करना है ऑप्शन डिलीट बुकमार्क का। इसके बाद आपको जाना है ऐप लाइब्रेरी में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्यूब का ऐप है, इस पे हमें करना है लॉन्ग प्रेस, और इसके बाद चूज करना है ऑप्शन ऐड टू होम स्क्रीन का। अगर आप और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे अभी के अभी क्लिक करो। यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं आपसे मिलने आऊंगा बहुत जल्द एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और व्यस्त रहिए।